कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, एनटीएससी, एसटीएससी की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश केपीएस में। इंदु अस्पताल नीमराणा, आईसीयू, एनआईसीयू, एसी वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7वां से 8वां से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख टीपीए, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। इंसान के अगर सितारे बुलंद हों तो भगवान भी उसे छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है ललित यादव के साथ। बीते दिनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें मुंडावर से अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने अलवर जिले की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वहीं अब लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ललित यादव पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें अलवर लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव के साथ होगा। भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं और मोदी के बेहद निकट माने जाते हैं। भूपेंद्र यादव बीते दिनों से ही अलवर जिले में सक्रिय हैं, बहुत से मंदिरों में उन्होंने धोख लगाई है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली है। और ललित यादव अब कल से अपना सक्रिय रूप लोकसभा क्षेत्र में दिखाएंगे। कल वो दिल्ली से आते हुए शाहजहाँपुर टोल से होते हुए गंडाला बहरोड होते हुए विभिन्न मंदिरों में दर्शन करेंगे, उसके बाद उनकी आगे की रणनीति रहेगी। बहरहाल अगर बात की जाए अलवर लोकसभा की, तो अलवर लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें 5 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस के वर्तमान में विधायक हैं, जबकि 3 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें भाजपा के विधायक हैं। उन 3 विधानसभाओं में बहरोड और तिजारा ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व सांसद हैं। महंत बालकनाथ योगी जो अभी वर्तमान में सांसद थे, अब वो पूर्व हो गए हैं क्योंकि वो तिजारा से विधायक चुने गए हैं। वहीं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जो पहले अलवर के सांसद हुआ करते थे, अब वो बहरोड से विधायक चुने गए हैं। तो एक तरीके से भूपेंद्र सिंह यादव को एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो उनके पास ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कि उनके पास 2 सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, जो उन्हें पूरे अलवर जिले में पकड़ रखते हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ, तो भंवर जितेंद्र सिंह जो पहले अलवर से MLA हुआ करते थे, अलवर शहर सीट से, और अब उसके बाद उन्होंने अलवर से एक बार सांसद का चुनाव भी जीता था और वर्तमान में वो कांग्रेस में एक बड़े पद पर हैं और कहा जाता है कि गांधी परिवार के वो बेहद निकट हैं। तो अब एक तरीके से कांग्रेस के पास ये पॉजिटिव चीज़ है कि उसके विधायक ज़्यादा हैं और लोगों के बीच वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बातें रख पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए भाजपा की, तो भूपेंद्र सिंह यादव एक बड़े कद के नेता हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं और मोदी के बेहद निकट माने जाते हैं। तो जो मुकाबला है बड़ा रोचक होने वाला है। कल हमारे RA24 को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ललित यादव ने कहा कि यह चुनाव बाकी अन्य चीज़ों के साथ साथ इस मुद्दे पर भी रहेगा कि लोग स्थानीय को चुनते हैं या बाहरी को चुनते हैं। उनके मुताबिक लोगों की पहुंच उन तक बहुत ही सहज तरीके से हो सकती है, जबकि भूपेंद्र यादव को लोग अभी तक जानते भी नहीं हैं पूरे लोकसभा में और उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है बनिस्पत उनके। तो यह उनका एक मुख्य मुद्दा है, भारी बनाम स्थानीय। बाकी कांग्रेस पार्टी ने यादव चेहरे को उतारकर मुकाबले को बेहद रोचक कर दिया है, क्योंकि अगर हमें देखें तो पिछले 2 चुनाव में भंवर जितेंद्र सिंह यादव चेहरों से ही हारे हैं। कहा जाता है या सियासी गलियारों में ये हमेशा ये बात होती है कि अलवर लोकसभा का चुनाव घाटी के इस पार और घाटी के उस पार का होता है। उस पार में वोट और SC ST वोट अपना बाहुल्य रखते हैं, जबकि इस तरफ यादव वोट मुख्यतः बहरोड, मुंडावर, तिजारा और किशनगढ़, ये 4 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें यादव बाहुल्य है। इन 4 विधानसभाओं में मुंडावर, किशनगढ़वास और तिजारा और बहरोड, बहरोड में विधायक भाजपा के और तिजारा में विधायक भाजपा के, जबकि 2 विधानसभाओं में विधायक हैं कांग्रेस के। तो मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। मुकाबले में देखें तो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं बेहद अनुभवी हैं, संगठन का अनुभव है, सरकार का अनुभव है और दोनों जगह अभी उनकी डबल इंजन की सरकार है, तो उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जबकि ललित यादव जो हैं
उन्हें भी चुनाव लड़ने का काफ़ी अनुभव है, दो बार वो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार वो जीते हैं और सबसे बड़ी जीत अलवर की दर्ज की है और ख़ास तौर पर वो राठ क्षेत्र की तरफ से आते हैं तो उनको इस चीज़ का भी एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि पिछली बार के चुनाव की अगर हम रूपरेखा देखें तो उसमें महंत बालकनाथ को बहरोड़ और मुंडावर से लगभग 2 लाख वोटों की लीड मिली थी। तो अगर ऐसा ही अगर ललित यादव इस बार कर पाएँ तो उनके लिए जीत पाना आसान होगा। बहरहाल दोनों यादव जाति से उम्मीदवार हैं तो मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है और हमेशा कहा जाता है कि अलवर ज़िले में बहरोड़ मुंडावर या आसपास के क्षेत्रों की राजनीति अव्वल रहती है और इस बार भी पलड़ा इधर ही झुकने वाला है क्योंकि कहा जाता है कि मेव और एससी एसटी के जो घाटी के उस पार के वोट हैं वो कांग्रेस के पेटी पैक वोट माने जाते हैं जबकि इस बार के चुनाव में मुख्य भूमिका बहरोड़ मुंडावर तिजारा किशनगढ़ गढ़वास इस विधानसभा के यादव वोटों की ज़्यादा होगी कि वो किस तरफ ज़्यादा झुकते हैं। जिस पलड़े में यादव वोट ज़्यादा झुकेंगे ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा है कि उसी पक्ष की जीत होना निश्चित है। बहरहाल मुकाबला बहुत ही रोचक होगा क्योंकि एक तरफ युवा जोश और दूसरी तरफ एक अनुभवी चेहरा, तो देखने अब ये भविष्य के गर्भ में है कि होता क्या है। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड़, अब आपको कोटा जाने की नहीं है जरूरत। कैरियर पॉइंट कोटा की कोचिंग अपनी टीम के साथ अब यूनिक बहरोड़ में। चेयरमैन सुमित यादव का दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से यूनिक संस्थान ने राज्य और जिला स्तरीय मेरिट देकर राठ का नाम किया रोशन। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलंपियाड, मिलिट्री की तैयारी, आईआईटी और नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।